धोखा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हादी कायनात को कॉल करता है और कहता है कि तुम कैसे एक धोखेबाज इंसान पर फिर से यकीन कर सकती हो, उसके साथ रहने के लिए तैयार हो सकती हो जिसने तुम्हें पहले छोड़ने का फैसला कर लिया और अब फिर से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को लेकर अपने घर चला गया है। तुम ये नहीं जानती कि क्या अहमद फिर से तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता, ये वो ज़रूर करेगा, वो तुम्हें घर से निकालेगा, वो सिर्फ इसी वजह से तुम्हें लेकर गया क्योंकि उसे तुम्हारे पैसे चाहिए, तुमसे मदद चाहिए, उसके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है वो अपने घर का खर्च चला सके और तुम कमाती हो, इसी वजह से वो तुम अपने साथ लेकर गया है ताकि तुम्हारी कमाई की वजह से उस घर का खर्च चल सके। और यह सब कुछ मैं कोमल की वजह से नहीं कह रहा, कोमल की सम्मति के लिए नहीं कह रहा, कोमल अपने घर में खुश रहे। मैं तो कोमल को भी बार बार यही कहता हूँ कि तुम अहमद से डिवोर्स ले रहे हो, लेकिन कोमल मेरी बात नहीं मान ली। तुम क्यों चली गई हो? तुम इतनी समझदार इंसान होते हुए फिर भी उस बेवकूफ़ के हाथों से बेवकूफ़ बनते जा रही हो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग अपना रिश्ता अहमद से ख़त्म कर दो और मेरी बात लिख के रख लो कि अहमद कभी भी तुम लोगों को नहीं अपनाएगा, वो तुम लोगों से फायदा लेकर तुम्हें छोड़ देगा और साथ साथ कोमल को भी छोड़ देगा, जिस तरह उसने तुमसे पहले पैसे लेकर तुम्हें छोड़ दिया फिर से वही यही करेगा। तो कायनात को तो हादी की बात समझ आ जाती है, तो अब कायनात घर का खर्च देने से मना कर देती है और कहती है कि मैं क्यों दूं इस घर का खर्च, मैं अपनी बेटी और अपनी जरूरियात पूरी करूँ, यह तुम आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। तो अहमद तो फिर से फैसला कर लेता है कि वो अब कायनात को और उस बच्ची को इस घर में बिल्कुल भी नहीं रखेगा, वो दोबारा से कायनात और उसकी बेटी को छोड़कर आ जाता है उसकी माँ के घर। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।